नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 53। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की दूसरी इमारत पर आग लगने का वाकया पेश आया, जहां जीएचएमसी की सारी वोटर फाइल जलकर खाक हो गई। जैसे ही इसकी तला फत्तरगट्टी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी को मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर जीएचएमसी के आला अहदेदारों से फ़ोन पर बात की। आइए डालते हैं आगे की तफसीलात पर नज़र। मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सेकंड फ्लोर पे स्टोर रूम है, यहाँ पर जीएचएमसी का, यहाँ वोटर आईडी के फॉर्म्स वगैरह है और कुछ फाइल्स वगैरह है ग्रेटर हैदराबाद के, यहाँ जीएचएमसी के जो पुराने शहर से है। यहाँ पर पता नहीं, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ, क्योंकि रूम के अंदर लाइट, फ़ैन वगैरह, ट्यूबलाइट्स वगैरह सब सही है। पता नहीं आग कैसा लगी। यहाँ पर एक रूम मुकम्मल, जिस एक रूम के अंदर जितने फाइल्स थे मुकम्मल जल के खाकिस्तर हो गए हैं। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर यहां का जब जायज़ा लिया, तो पता चला कि यहां पर फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए। यहां पर मुगलपुरा पुलिस स्टेशन के SI साहब, ये लोग सब लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आग पर काबू पा लिया, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मगर एक रूम के अंदर जितने फाइल्स थे पूरे मुकम्मल तौर पे जल के खाकिस्तर हो गए। मैं यहाँ से ठहर के तकरीबन आला अहदेदारों से रब्त कायम करने की कोशिश किया, मगर UCD के लोगों से बात हुई, आला अहदेदारों ने फ़ोन लिफ्ट नहीं किया। मगर GHMC का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, और इतनी लापरवाही है यहाँ पर, मंज़े इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुसलसिल कोशिश करते हुए, ख़ास तौर से कायदे ऐवान मुकर्रमा अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास जस्तजू से यह कॉम्प्लेक्स बना है। यहाँ पर पुराने शहर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर, मगर GHMC की इतनी लापरवाही है यहाँ पर। एक आज मैं पिछले 1.5 घंटे से यहाँ पर हूँ, एक यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। इतना बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, पूरे दरवाजे खुले हैं, हर वो चीज़ ओपन है, कोई किसी का यहाँ पुरसाने हाल नहीं है। मेंटेनेंस देखिए आप, इतना क्या दिख रहा है यहाँ, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है मगर यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। मैं GHMC के आला अहदेदारों से ख्वाहिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कहा था कि यहाँ पर CCTV कैमरे लगाया जाए, यहाँ पर इसको मुकम्मल तौर पे इसको डेवलप किया जाए, मगर इसको बिल्कुल नोवेयर कर दिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को। इतना बड़ा यहाँ क्रिकेट, तमाम खेल के तमाम शोबे यहाँ मौजूद है, स्पोर्ट्स के तमाम शोबे यहाँ मौजूद है, मगर इतने बड़े पुराने शहर के इतने बड़े कॉम्प्लेक्स में सिर्फ एक जो जिम का कोच है बाफन्ना है, और कोई यहाँ पर दूसरा आदमी नहीं है। यहाँ पर ये पूरे वोटर आईडीज़ के फाइल्स थे, जो लोग 18 साल के होते हैं और जिसका नाम लिस्ट में नहीं है वोटर लिस्ट में, वो ये वो फाइल थे जो तकरीबन पूरे मुकम्मल तौर पे एक रूम में जितने सवों नहीं हज़ारों फाइल थे पूरे मुकम्मल तौर पे जल के खाकिस्तर हो गए। मगर सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि यहाँ इतनी लापरवाही होती है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। नीचे का हिस्सा पुलिस वाले जो बंदोबस्त में आते हैं वो ले लिए, वहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। लाइट का अगर एक बल्ब चले गया तो वो लगने के लिए महीनों लग जाते हैं। यहाँ पर कोई मेंटेनेंस के लिए एक आदमी नहीं है, यहाँ पर कोई स्वीपर नहीं है, यहाँ पर ना कोई गार्बेज लिफ्टिंग करने वाला यहाँ पर नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए, आप के चैनल से आप देखिए, आप थोड़ा सा खाली जिस रूम में ठहरे हुए हैं हम, जिस हाल में हैं आप, ज़रा सा ऊपर का आप नज़र आप लेना कि कितना यहाँ पर देखिए, पूरे दीवारों पे जाले हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं पिछले टाइम भी पिछले 15 दिन पहले MLA साहब, ख़ास तौर से मुमताज़ अहमद खान साहब, जोनल कमिश्नर साहब के साथ भी यहाँ आके दौरा किए हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि हमारे पास यहाँ पर बच्चे खेलने के लिए बेताब है, मगर यहाँ एक कोच नहीं है। मैं GHMC साहब से, स्पोर्ट्स के आला अहदेदारों से, स्पोर्ट डायरेक्टर से, ख़ास तौर से मैं मेयर मोहतरमा मेयर साहबा से, मैं कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ के जितने लोग जो 15-20 साल अपने दिए हैं यहाँ पर, 15 साल 20 साल यहाँ के पुराने शहर के बच्चों को अपने कोचेस की ट्रेनिंग दिए हैं, आज बच्चे नेशनल लोकल खेले हैं और नेशनल्स खेल के मेडल्स हासिल करे हैं, मगर आज वो कोच को आप रख दिए हैं, उनको बाला ताक कर दे रहे हैं। मैं तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप नए लोगों को लेकर आइए, मगर पुराने लोगों में से भी कुछ लोगों को लीजिए जो इस ग्राउंड पर
ये चमन था पहले, मुगलपुरा चमन के नाम से मशहूर था। अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया, उनकी जस्तजू से कॉम्प्लेक्स बना, मगर एक कोच है ना, टेनिस का नहीं है, क्रिकेट का नहीं है, बैडमिंटन का नहीं है और बॉक्सिंग का नहीं है, कोई कोचेस ही नहीं है यहाँ पर। एक कोच है बाफन्ना है जो रिकॉर्ड में है। कोई एक लड़के यहाँ पर अपनी जस्तजू से बच्चों के ख्वाहिश पे कुछ लोग यहाँ पर बॉक्सिंग सिखा रहे हैं, मगर मैं फिर एक मरतबा मेयर से, जोनल कमिश्नर साहब से, कमिश्नर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ और आला अहदेदारों से, स्पोर्ट्स के आला अहदेदारों से, डायरेक्टर से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक मरतबा यहाँ दौरा करिए और यहाँ के स्पोर्ट्स का जो रुकावा है, स्पोर्ट्स के लिए जो बच्चे बेताब है खेलने के लिए, उस चीज़ को बहाल करें। शुक्रिया, खुदा।